ये आपने देखा है कभी कि दुनिया इस वक्त कितनी परेशान होगी? ये उस मुल्क के हालात हैं जिनके पास जो एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक पावर अभी 58 बिलियन का लॉलीपॉप आपको आपके मिसाइल चाइनीज देकर गए हैं, आज वो क्या सोच रहे होंगे ये किस किस्म की कौम से पाला पड़ गया। सोचें कि आज आपकी पहले पहले ही रिप्यूट नहीं है आपकी, कोई रिप्यूट नहीं है। आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट को सारे जहाज में से दुनिया निकल जाती है, आपको बिठा लेते हैं वो हर एयरपोर्ट पे। आज के बाद आप देखें आपके मजीद हालात क्या बने। आप इन्फ्लेशन से आपकी जान निकली जा रही है। अब मेरा मकसद है कि मजीद आपके यहां से लूट मार भी ज्यादा होगी, रिश्वत भी बढ़ेगी, जो चीजें इस वक्त एक मेरा मकसद अफ्रीकन कंट्रीज में कांगो में, कांगो तो खैर बहुत अच्छा मुल्क है आपके निस्बत, मेरा कई ऐसे ममालिक हैं जिनके जहां मेरा मकसद है मैं क्या बताऊं, जहां पे ना खाने को है ना पीने को है आपके हालात। सर ये किसकी बेवकूफी है, क्योंकि आज इन्होंने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, इंटरनेट से मेरा मतलब सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, यूट्यूब बंद किया हुआ है, साथ कई कंट्रीज ने अपने लोगों से कहा है कि भाई इनके यहाँ जो है ना वो ट्रेवल ना करें और जो मौजूद है वो ऑफिस बैठे हैं। मैं आपको एक और मैं उसके ट्रेवल एडवाइजरी के एक तो चाइनीज बंद कर दी, फिर कनेडियन एम्बेसी ने भी कहा है कि ट्रैवल एडवाइज, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एम्बेसीज बंद होना शुरू हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, अमेरिका ने भी कहा है, पहले भी मेरे कई दोस्त हैं डिप्लोमेट, पहले भी वो उनकी उनको कहा जाता है कि बीवी बच्चे या ना लाओ, सिर्फ आप खुद रहा करो। और मेरे कई अमेरिकन दोस्त हैं जो तीन तीन चार चार मिलके घर किराए के लेके एक एक कमरे में रहते हैं क्योंकि बीवी बच्चे रखने का माहौल नहीं, उनको कहा गया कि इट्स अ डेंजरस प्लेस और उनको ज्यादा अलाउंस दिया जाता है कि आप एक सेंसिटिव कंट्री में रहते हो। पहले भी हालात आपके ऐसे ही हैं क्योंकि आपने हमेशा दहशतगर्दी से पैदा, आपकी इंडस्ट्री जिस तरह मैं बताया ना कि आपने उसमें बहुत पैसा बनाया है, तो उसमें दुख है आज आरजू, नई बात कोई नहीं है। देखें हाँ कई लोग जो है इस वक्त जो तड़प रहे हैं पीटीआई के, वो समझते हैं हमारा मज़ भी पेशरवा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जिस तरह मेरा मकसद उसको दर्जा देते हैं नौज बिल्ला पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, तो उनको शायद कुछ दुख हुआ, वरना हर सियासी जो आदमी है उसका उसने पकड़ा जाना होता है, उसने जेल जाना होता है, जिस तरह इनके एक दूसरे कायदे अवाम है, इनके दूसरे नंबर वाले अमीरुल मोमिनीन शेख रशीद साहब कहते हैं कि भाई जेल तो मेरा ससुराल है, तो उनका ससुराल है, इनके माँ बाप है, ये अपने डैडी के पास गए हैं क्योंकि पैदा तो इन्होंने किया हुआ है सबने, तो वो दर हकीकत इनका पकड़ा जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नवाज शरीफ पकड़ा था ना, और ये वही अदारा जिन्होंने पकड़ा है जो जिसके जरिए इन्होंने हर एक को पकड़वाया, हर एक को पकड़वाया, फरमाइशें करते थे इनकी वीडियो बना के भेजो, ये वो बिल्कुल गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये वही हो रहा है। लेकिन दुख है आरजू इस बात का कि ये लोग तो भाई अपने मुफाद परस्ती के लिए आते हैं ना, देखे इनके ऊपर जो एलिगेशन है 150 अरब रुपए की करप्शन के, वो जो मलिक रियाज के इन्होंने लेके उसको दिए थे बरतानिया से और उसके बदले में जमीन ली थी अल कादर फाउंडेशन की, चार्जेस तो वो के खिलाफ, लेकिन इसमें मार कौन खा रहा है? मार तो आप खा रहे हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, गरीब का बच्चा मार खा रहा है, एवरेज जो है जिसका लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके फॉरन अकाउंट नहीं है, जिसके पास डॉलरों की और पाउंडों की बोरियां नहीं है, मार तो वही खा रहा है ना। आप तो आप जैसे लोग शहरी जो है बिल्कुल तकलीफों के लिए, और आगे आप देखें कि आगे आने वाले सर्कमस्टांसेस जो है वो पाकिस्तान में, लेकिन आपने आज प्रूव कर दिया दुनिया को यू आर नॉट वर्केबल पीपल, यू आर अ कंट्री स्टिल लिविंग, यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट पीरियड डिफरेंट। मैं पहले हमेशा ये कहता था, तीन चीजें बार बार कहता था, भारत आपसे 100 साल आगे हो चुका है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे हो चुका है, हमारे अफगान भाई भी आपसे 20-25 साल का गैप देके जा चुके हैं, लेकिन आज उन सालों में आप 50-50 साल और ऐड कर रहे हैं क्योंकि आज आप नजर आ रहे हैं जलाते हुए घराते हुए, मेरे आप आज अब नई पस्तियों की जो है वो तलाश में निकले हुए हैं जो कि काबिले दुख वाली बात। सर IMF कुछ देगा सर अब या वो भी हट जाएगा इनके पास? आज सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मोदी ने आज इस ड्रामे से पहले ही उन्होंने कहा था कि क्योंकि उसकी वजह यह है, June 30th को आपने 250 बिलियन 2.5 बिलियन की किस्तें देनी, आपके सिर्फ फॉरेन रिजर्व 4.5 बिलियन, उनमें से ये निकाल दें, तो मोदी ने आज कहा था कि अगर एक महीने के अंदर अंदर IMF आपको आपके साथ लोन डील साइन नहीं करता, दे आर चांसेस दैट यू माइट गो बैंकरप्ट। अब इन सर्कमस्टांसेस में IMF क्यों देगा आपको भी?
इन सर्कमस्टेंसेस में आपको हबीब बैंक $50 नहीं देगा तो वो आपको बिलियन देंगे। मैं बैंक में बैठा हूं, आप बैंक मैनेजर होंगे तो देंगे किसी को, किसी मुल्क को कर्जा जहां आग लग जल रही हो, जहां के लोग अपने मुल्क को जला के तालियां बजा रहे हो, आप उनको पैसे देंगे? मैं तो एज अ बैंक मैनेजर, मैं तो आपको अपने बैंक में घुसने नहीं दूंगा। आप कर्जे की बात करते हैं, आप सर राना सनाउल्लाह की गलती है, सर गवर्नमेंट की गलती है कि इस वक्त अरेस्ट कर लिया इनको, छोड़ देते क्या फर्क पड़ता है? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं सर कि तो बाहर आके और हीरो बन जाएंगे। नहीं, बाहर क्यों छोड़े बेटे, इनको बाहर किस तरीके से आएंगे? वो एक केस है इनके ऊपर, कुछ 150 केस है, किस तरह आएंगे बाहर? मजाक है ये। अगर इन्होंने इनको बाहर छोड़ा गया तो फिर इस तरह ही है, जिस तरह मेरे ख्याल पाकिस्तान को वैसे ही बंद कर दें, फिर आप खत्म है सारा कुछ। गेम तो गेम इज ओवर ना हो, गेम इज ओवर से मुराद ये है छोड़े तब भी मरेंगे, ना छोड़े तो फिर तो वैसे ही चल रहा है ना। छोड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान के बचने की कोई उम्मीद नहीं है ये। लेकिन आपने ये भी देखा कि इस वक्त आपकी इनकी टीयर टू लीडर किधर है? इनकी कोई भी नहीं, सबके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रबते हैं, सबके सारे पैदावार उनकी। और मुझे ये बताया, आज एक बच्चा वहां कोर कमांडर के घर से उसने वीडियो बनाकर लगाई कि इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। पर यार मेरे भाई, उस्मान बुज़दार और परवेज लाई साहब अगला आपका इनकलाब लेकर आएंगे, किस इनकलाब की खाबें आप देख रहे हो? अकल से अंधे हो चुके हो, आंखों से तो पहले ही अंधे हो तुम। लेकिन आरसू जो कुछ भी आज हो रहा है वो मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, वरना तो इन्होंने देखे ना हिस्ट्री अपनी खोल के देखे, फातिमा जिना के साथ क्या किया था पाकिस्तान ने, उससे बाद देखे भुट्टो साहब जब, वो भी उनको भी गलतफहमी यही थी कि लोग बाहर निकल के मुझे बचा लेंगे, वो काल कोठरी में लोगों का इंतजार करते करते फांसी पे चढ़ गया बंदा। नवाज शरीफ कहते हैं लाहौर मेरा किला है, आज वो लंदन बैठा है, लाहौर सारा भूल चुका है। तो ये सियासतदानों को शायद गलतफहमी होती है, ये सामने लोगों को नारे मारते देखते ना, तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार, ये वो इतना नहीं है। जब सामने स्टेट खड़ी होती है और जूते मारती है, कोई भी खड़ा नहीं होता। मैंने पाकिस्तान के अंदर कोड़े खाते लोगों को देखा है। भुट्टो को गलत फहमी थी, मैंने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया है, शायद मैं इनविंसिबल हूं, लेकिन ये 2-3 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। महंगाई इतनी है, लोगों को पता नहीं चलना, ना पेट्रोल उनसे पूरा हो रहा है, ना बिजली का बिल पूरा हो रहा है, ना आटा पूरा हो रहा है। लोग मेरे ख्याल में तो पीटीआई कम अपनी महंगाई से ज्यादा सड़कों पर निकल आए हैं मेरे ख्याल। सर आटा एक बार फिर नहीं मिल रहा केपीके में, कह रहे हैं कि आटे की फिर शॉर्टेज हो गई और फिर लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान को अरेस्ट रखेंगे तब भी तो कुछ ना कुछ लोग तो बाहर रहेंगे हंगामा करने, किस तरह से काबू करेंगे? अगर पंजाब में और केपीके में तो काफी लोग निकले हैं। नहीं, केपीके में शायद निकलेंगे, वहां मेरा मकसद वो मजहबी तौर पर, और दूसरा ये 9 साल वहां पे हुकूमत चलाते रहे हैं, वहां पे शायद कुछ लोग निकल आए। वैसे भी पठान भाई जरा थोड़ा ज्यादा जज्बाती पंजाबियों से, पंजाबी लोग तो आपको पता ही है आरजू, मैं तो खुद पंजाबी हूँ, मुझे पता है आप तो पार्टी करने वाले लोग हैं। आप हम मुझे कहें आपके जिहाद पे चले जाओ, यार मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा यार, क्यों जाऊं? 2 दफा सोचना पड़ता है ना, मेरे DNA में शामिल है लड़ाई करना। हम लोग तो भाई जितने फॉरेन इन्वेडर आते थे उनके गले में हार डालते थे, हमने उस वक्त जिहाद नहीं किया तो आज कहां करेंगे? ये कौन सा जिहाद है? हमें तो बड़ी मुश्किल से इस्लाम की समझ अभी कुछ हमें आ रही है, नहीं आ रही है, क्या है? लेकिन अगर हमसे आपने उम्मीदें रखी है ना, तो वो मैं आप छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ। वो कहते हैं किसी मिरासी के पास गए ना वो ब्रिटिश भर्ती करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी वो तो हिटलर जंग लड़ रहा है, वो बहुत मारता है आगे पीछे, तो आपका बच्चे को ना भर्ती करना है। उसने कहा अगर मेरे बच्चे पे हिटलर के टाइम आ गया तो सुलह ही कर लो बेहतर है। हम तो पंजाबी ऐसी कौम है, हम लड़ते मरते नहीं है भाई, हम तो पार्टी वाले लोग हैं। खाना शाना दो, बिरयानी दो, चिकन पीस दो, साथ बरारू ला के गाने लगाओ तो जहां मर्जी खड़ा कर लो। हाँ ये कहो कि कल को जूते खाएं जिस थानों में जाए तो वो हम नहीं जाते। आज नवाज शरीफ सर गजवा हिंद कौन करेगा फिर? भाई वो मौलवियों का कारोबार है, वो मस्जिदों में नारे लगाते हैं, लोग पैसे दे देते हैं कि शायद लाउड स्पीकर से गजवा हिंद हो रहा है। तो इस तरह तो ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए आरजू, ऐसी मोहब्बत हम नहीं करते। ये बातों शातों में करा लो जितने गजबे कराने हैं वो। आप मुझे ये बताए ना कौन सी कितनी जंगें जीती आपने, कितना क्या किया आपने, माजी जरा लौट के देखें। एक ही आपका था वो हीरो आज तक यहाँ पंजाब से पैदा हुआ है, था तो मेरी बरादरी का जाट बरादरी का महाराजा रणजीत सिंह था, एक ही था। उसके पहले को आज तक लोकल हीरो पैदा हुआ है ना बाद में हुआ। हम लोग फॉरेन इन्वेडर्स जो है उनको वेलकम करते हैं हमेशा, वी आर नॉट फाइटर्स टू बिगिन विद। मुझे पता है आज भी सबसे बड़ी बात है युद्ध पंजाब का ही है इस वक्त, सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब का है। और मैं दुख के साथ कहूंगा
पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने वाले भी पंजाबी हैं, दूसरे बेचारे तो पीस लविंग लोग हैं, सिंधी शरीफ लोग हैं, बलोची शरीफ लोग हैं, पठान भाई वैसे मजहबी बहुत है, ये सारे हंगामे शंगामे तो यही है, ये रौनक के लिए पार्टी पीपल है ना, पार्टी पीपल है ये जा। लेकिन देखे ना आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो कोर कमांडर के घर में भी आधा जलाया आधा लूटा है, अब उसके बाद खबर आज की कई डिपार्टमेंटल स्टोर कई इन्होंने माल लूट लिए, तो ये हम तो अपॉर्चुनिस्ट है। देखे ना ये इन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन लूटने के लिए निकल गए, जाके शर्टें जो जींस उठा के ले आए, जूते उठा के ले आए, ये तो इस तरह के लोग हैं। लेकिन सर फौज पीछे क्यों हो गई, इनको ये सब कुछ क्यों करने दिया, कोई रोक ही नहीं रहा था? नहीं, प्लान का हिस्सा है उनका, उनको उन्होंने कहा कि इनके इन, आगे सख्ती से डील करेंगे, घुमाना तो होगा, प्लान तो है उनके पास, प्लान तो होगा ना उनके, देखे ना, वरना वो इनको इनको 7 लाख फौज, 8 लाख की आपकी फौज है, उनके लिए 10,000 लोग ज्यादा से ज्यादा सारे शहरों में 10,000 लोग निकले होंगे। मैं यहाँ पे एक बात कोट कर दूं वैसे आपके अमीरुल मोमिनीन की, इमरान खान साहब, वो कहते थे 15-20,000 लोग सड़कों पे निकल आए तो जर्नलों के पेशाब निकल जाते हैं, ये उन्होंने उनकी जबान उनके अपने कोट है। तो आपका क्या ख्याल है उन जर्नलों ने प्लान बी नहीं बना के रखा होगा, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि सड़क हमने इसको अरेस्ट करना है तो ये रिएक्शन क्या होगा, एजेंसी का क्या ख्याल है? बिल्कुल वैसे मुझे कुछ ज्यादा एतमाद तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही याद हो फिर सो रहे हैं दूध पी के, इनको पता ही नहीं है, लेकिन मेरा मुझे नहीं ख्याल इन्होंने कोई ना कोई काउंटर प्लान कर रखा होगा। और अगर ये वाकई हकीकत है तो फिर आप लोगों को रात को आज सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास तो न्यूक्लियर सारी चीजें हैं वहां, अगर न्यूक्लियर, मैं कल भी कह रहा था कि आपने न्यूक्लियर एसेट्स के पास काले बकरे तो नहीं बांध दिए, वो जो जिस तरह के आपने जमानत पार में काले बकरे जो है सुबह शाम काटते हैं अपने चिले करने के लिए और जादू करने के लिए, फिर आपको होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि एटॉमिक वेपन्स आर वेरी डेंजरस फॉर नॉट ओनली यू एंड फॉर द वर्ल्ड। लेकिन सर बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बल्कि बहुत से हमारे इंडियन दोस्त भी हैं, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान जो हैं वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और अब जब वो बाहर आएंगे तो फिर तो वो और हीरो बन जाएंगे और पब्लिक उनके साथ बहुत ज्यादा है और अब उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, पाकिस्तान को अब वो बदल देंगे और अब आर्मी का वो उस तरह से होल्ड नहीं रहेगा जैसे पहले था। नहीं, मेरा ख्याल नहीं, ख्याल है क्योंकि हमारे कई भारतीय दोस्तों को उनको 4 साल की उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं है, ज्यादातर हमारे भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता उस्मान बुज़दार कौन है, हमारे ज्यादातर भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता है कि मलक रियाज कौन है, हमारे ज्यादातर भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता कि मुराद सईद साहब कौन है, उन्हें ज्यादातर ये नहीं पता कि शहजाद साहब एक यहाँ पे इंसान थे, भाग चुके हैं यहाँ पे, वो क्या करके गए हैं, हमारे भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता कि इन्होंने पिछले नैब चेयरमैन की गंदी वीडियोस बना के उसको ब्लैकमेल करते रहे हैं, हमारे ज्यादातर भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता कि ये इस्लामिक टच का टोपी ड्रामा किस तरह करके इन्होंने कौम को बच्चों को पीछे लगाया हुआ है, उनको ज्यादातर इन चीजों का अंदाजा नहीं है, और दूसरा वो समझते नहीं है कि मिजाज पाकिस्तान का क्या है लोगों का। अब 4 साल की परफॉर्मेंस है, मैं आपको बताया मैं भी मुतासरीन इमरान खान हूँ, क्योंकि मैं भी दुआएं मांगता रहा था शायद कि ये 2 पार्टियों से तो लोग बेजार हैं, शायद ये तीसरा तजर्बा करें तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल दें, लेकिन ये काले बकरों के साथ नहीं ये सारा कुछ चलता। मैंने अर्ज की थी ठीक है अगर इतने ताकतवर हैं, इतने जनात इनके पास हैं, फिर IMF के पास भी काले बकरे भेजो ना, इनको पैकेज दे दे भाई, आइए काले बकरे करो ना तो 40% इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। सर मुर्गा भी तो जलाए थे, मन मन डेढ़ डेढ़ मन मुर्गे जलाए जाते रोज डेली बेस पे, हमारे भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता ना, उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम के अंदर ये चीजें मना है, इस्लाम के अंदर ऐसी चीजें ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बात करना है इस तरह की कि काला बकरा जादू टूने, ये काला जादू ये सफेद जादू ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन क्या करें हमारे पास देखा है पता नहीं क्या, मैं अक्सर ये सोच में पड़ जाता हूँ कि 1947 में जो लोगों को जो एक इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया गया शायद उन लोगों की बददुआएं हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज चली नहीं रही। आज मैं दुखी हूं आज भी, क्योंकि ये लोग तो आए हैं चले जाएंगे, मेरी मादरे मिलत है, मेरी शनाख्त है पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, लेकिन सर इमरान खान कितने दिन के लिए अंदर आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे? एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा तभी भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है ना, कहा तो यही जाता है। देखें अगर एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा सपोर्ट कर रहा होता तो आज उनकी अरेस्ट ही ना होती, उन्होंने कंसेंसस के लिहाज से किया है, फिर आज जुडिशरी ने आज जो उनके उसकी उनकी अरेस्ट को कानूनी करार दिया है, और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में कुछ अरसा अंदर रहेंगे इनके। कुछ लोग आज स्पेकुलेट कर रहे थे वॉशिंगटन DC में
कि शायद 2-3 दिनों तक इनकी जमानत ले ली जाएगी, लेकिन मुझे नहीं ख्याल काफी केसेस हैं और अब खास अब बाहर आएंगे तो फिर अगर वो बाहर इनका ये प्लान है उनको बाहर छोड़ देना है निकलना है फिर पाकिस्तान बचने की कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि सर अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, कहा जा रहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी जो है वो नोटिस लिया है इस बात का कि इमरान खान को अरेस्ट किया गया है। उनके नोटिस लेने ना लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकन गवर्नमेंट अगर नोटिस ले तो पाकिस्तान अपने शहरों को बचा ले। यहाँ जहां मैं आज इस वक्त बैठा हूँ वहां से 20 मील दूर आप दिन के टाइम नहीं जा सकते, तो उसका नोटिस क्यों नहीं लेते? वो इतने परेशान हो गए हैं कि लाहौर में इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। हाँ उनको तशवीश है होगी इस बात की। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ अमेरिका के ख्वाब आप छोड़ दें, वो अगर आपसे बात करेंगे तो वो इजाजत लेंगे इंडिया से पहले, भारत से इजाजत लेंगे कि आप इजाजत दें महाराज तो इनसे बात कर लें, वो कहें यहाँ बात कर लें। IMF दे रहा है आपको पैकेज, मुझे पता IMF में इन्फ्लुएंस है भारत का बहुत ज्यादा, वर्ल्ड बैंक भी उनकी जेब में है, अमरीका पूरा ही